अब सुनो, अब बाबा ने बहुत अच्छी बात कही और आपकी गलती नहीं है। वो क्यों है वो बता दो कि आत्मा का ज्ञान सुना। पहला प्रश्न आपने सुना, मैं कौन? मैं आत्मा। लेकिन इसके ऊपर आपने कभी चिंतन नहीं किया। योग में जब बैठते हो, खाना बनाते हो, सोचो मैं कौन, आत्मा क्या है पूछना। ये एक घंटे का एक्सप्लेनेशन है। ये पांच प्रश्न नहीं, पांच घंटा आप योग में बैठ सकते हो। इतना विस्तार है, शॉर्ट कर, एक पूछ ले, एक बता दो, मैं कौन? मैं आत्मा। आत्मा क्या है? मन है। ये मन क्या करता है? अपने आप से पूछना, इधर बैठे बैठे पूछना, देखना ये मेरा मन क्या कर रहा है, किसका सोच रहा है, किसके विचार आ रहा है। ये मन तो मेरा, दूसरों का तो नहीं है ना। ये मेरे मन में किसका विचार आ रहा है, क्यों आ रहा है, पूछो अपने आप से। देख लीजिए मन में देहधारी का, परिवार वालों का, दूसरों का विचार क्यों आया। हम इधर आए बाबा का ज्ञान सुनने के लिए, दूसरे विचार क्यों आ रहे। अपना मन अपने को पढ़ाओ। नहीं, मन तुम इनके लिए नहीं सोचो, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है, इनसे मुझे नहीं चाहिए, ये विचार नहीं करना। बार बार अपने मन को समझाओ। मन में दो प्रकार के विचार हैं। एक पुराने, 10 साल पहले इसने गुस्सा किया था, 10 साल पहले इस बहन जी ने बहुत सुख दिया था, इस भाई ने बहुत मदद किया था, पुराने विचार हैं जो अंदर भरे हुए हैं। और एक इस फूल को देखते ही विचार आता है, ये सही है कि गलत है, ये रियल है कि आर्टिफिशियल है। वर्तमान, दो प्रकार के विचार हैं। मेरा मन क्या करता है, दो प्रकार के विचार। एक पुराना, देखना पुराने विचार आते हैं तुरंत समझा, नहीं पुराने बात सोचना नहीं चाहिए। तब बाबा कहते हैं फुल स्टॉप, जो मर गए उनकी याद करके फायदा क्या, क्या कर सकते हो, तुरंत समझा नहीं ये पुरानी बात नहीं सोचना चाहिए, खत्म। उसको बाबा कहता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ऐसे लगता नहीं, समझाना पड़ता है। अरे इनकी याद क्यों आई, ये मर गए, ये खत्म हो गया, उन्होंने कल गुस्सा किया था, आज तो नहीं किया, आज उनकी याद आने से क्या फायदा, मेरा ही मन खराब होगा। तो मन को समझाना है। तो मन को कौन समझाएगा, कौन समझाएगा? चश्मे वाली माता जी बताओ, नहीं और कोई नहीं बताना, एक ही माता जी बताओ, आप बताओ मन को कौन समझाएगा, आप नहीं माता जी बताइए। हाँ समझ में, अभी मैं ज्ञान अंदर गया है, ये नहीं समझा बताएंगे तो अभी ज्ञान समझा नहीं। तो बच्चों को माँ समझाती है, टीचर स्टूडेंट को टीचर समझाता है, मुझे कौन समझाएगा, बुद्धि। बुद्धि किस आधार से समझाएंगे, अगर रोज आपने अच्छी तरह से मुरली सुनी है, मुरली बुद्धि को याद रहती है। मन चंचल है, मन में किसी को देखते गलत विचार आएगा, भाई को देखते अरे यही भाई था, ये 2 साल पहले इतने कितना परेशान किया, आएगा तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं यहाँ इसने परेशान किया है, बाबा का बच्चा है, बाबा ये आपका बच्चा है, इसको आप सब बुद्धि दे दो, ऐसा कर्म और न करे, इस बच्चे को शक्ति दे दो, ऐसा गलत कर्म न करे, बाबा को। तो बाबा की याद आनी चाहिए, इसको कहते बाबा की याद, मुरली याद आना चाहिए। तो बाबा ने मुरली में कहा, औरों के प्रति शुभ सोचो, शुभ भावना रखो, हाँ ये आज खराब है कल ठीक हो जाए, बाबा इसको ठीक करेगा, ऐसे शुभ भावना रखो। तो ये बुद्धि करती है, बुद्धि मन को समझाती है। जितना बुद्धि के अंदर ज्ञान है उतना अच्छा समझाती है, अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं है तो गलत समझाएंगे, वो भी गुस्सा करता है, वो भी करता है, ये भी करता है, ऐसा कारण बताएंगे।